मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए कैसे हैं। एकदम बढ़िया। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और कल की ट्रेनिंग अटेंड करी थी तुम आपने, साढ़े हाँ करी थी सर, 7 वाली? हाँ 7:30 बजे जब आपने बोला था उसको ज्वाइन किया था। हाँ। अभी हमारे मैनेजर सर ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है ना? इनका नाम मिस्टर गौरव कुमार है। अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं और अभी आपको सारी चीज खुद बताएंगे। सर कैमरा ऑन कर लो सर। मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। यस सर, आ रही है। ग्रेट ग्रेट। तरुण ब्रदर, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर? आई एम परफेक्टली फाइन। कहाँ से हो आप तरुण? बेसिकली मैं बेसिकली प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज। ओके नाइस। तो अभी करेंटली क्या कर रहे हो आप? स्टडी, जॉब? एंड जॉब जॉब कर रहे हो, वाओ नाइस। किस टाइप का जॉब है आपका ब्रदर तरुण? मैं टीचिंग लाइन में हूँ, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके नाइस। मैं भी टीचिंग लाइन में था पहले, मतलब उतना बड़ा भी नहीं, प्रोफेसर तो नहीं था, बट मतलब छोटा मोटा बच्चों को पढ़ाता था, मतलब 10th तक 12th तक बच्चों को पढ़ाता था। मतलब इस बिजनेस में आने मैं से पहले। यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। हाँ जी, क्या बोल रहे तरुण? मैं ओके यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। ओके, चलो यार बहुत अच्छी बात है। तब तो मैं एक सर से बात कर रहा हूँ, है बहुत बढ़िया। हम लोग प्रोफेसर से नहीं पढ़ते थे सर, ना, ऐसा बहुत नहीं डर है। लगता था पहले कॉलेज में, बहुत डर लगता था पढ़ते थे तो। ये भाई प्रोफेसर हैं, चलो यार बहुत अच्छी बात है, आपके लिए तो रिस्पेक्ट रहेगा बहुत। तो अभी अभी ओके घर सर, में सब बढ़िया, सारे लोग? सब बढ़िया। चलो ग्रेट है। चलो आपको तो सर ने बता दिया मेरे बारे में, मेरा नाम गौरव है और मैं झारखंड से हूँ, रांची। जानते हो महेंद्र सिंह धोनी? जी हाँ, हाँ मैं उधर ही से हाँ हूँ। जानता हूँ, वहाँ से मेरे कई कलीग्स भी हैं जो बिलोंग्स करते हैं मेरे साथ में, जिन्होंने स्टडी की वहाँ पे, झांसी में बिरसा ओके मुंडा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट हैं। ओके, चलो बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, ग्रेट। तो आप ये बताओ तरुण सबसे पहले कि अभी आपको कोई ऐसा डाउट या क्वेश्चन है, मतलब बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ ऐसी चीजें हो जो अभी तक समझ ना आया हो, तो आप पहले मेरे से आप वो पूछ लो, फिर मैं नहीं नहीं आपको बता। मुझे सारी, मुझे तो देखिए चीजें तो सारी समझ में आई, ओके लेकिन ठीक। मेन पॉइंट दो चीज। पहले मुझे अपनी 2 CC कंप्लीट करनी होंगी, ठीक हाँ जी ठीक है। है ना? मेरी 2 मंथ हाँ जी, अभी उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। तभी भी। और जैसे कि पहले स्टार्टिंग में मैंने अभी जैसे कि बोला कि 3 स्टेप में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, लो राइट, मीडियम फास्ट। तुमने बिल्कुल। स्लो से स्टार्ट किया था 7,000 पे करके, सर को आर्यन सर को मैंने 7,000 रुपये पे किए थे, हाँ जिसकी जी वजह से मैंने अपने स्टार्ट किया था। अभी जिसका मुझे कुछ आगे का प्रोसेस नहीं बताया कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है। फर्स्ट ये, अगर मेरे दूसरा डाउट ये है कि अगर माने कि मैं इसमें 7,000 मैंने जो करना है वो कर दिया, तो इस ड्यूरेशन मेरा कितना, मतलब कि मैं अपने आप को कितना अर्न कर सकता हूँ 7,000 को वो ठीक है करके, खर्च करके। ओके। और अगर 2 CC में कंप्लीट करनी है तो अगले महीने में माने कि मेरा कुछ अर्न नहीं हो पाता है, तो वो भी मुझे ही अपने पॉकेट से करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट्स? नहीं, यार इसके अलावा और कोई डाउट्स चलो नहीं है। ग्रेट, चलो मैं आपको एक एक करके सारे डाउट्स क्लियर करता जाऊंगा। अभी टाइम है ना, मतलब 15-20 मिनट, आधे घंटे के लिए, कोई दिक्कत? कहीं जाना तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कहीं नहीं जाना है, चलो फ्री। बहुत बढ़िया। ओके चलो, तो आप ये बताओ कंपनी का नाम पता है आपको तरुण? हमारी कंपनी का नाम क्या है? जी सर, हमारी कंपनी का नाम आपकी क्या कंपनी का नाम फॉरएवर, फॉरएवर है? ओके, और ग्रुप का नाम? एग्जैक्टली, और ग्रुप का नाम हमारा जो अचीवर ग्रुप क्लब्स। है, अचीवर्स क्लब। ओके अच्छा, अचीवर्स क्लब में आपको आपको आके कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मतलब आपने यहाँ पे बहुत मैंने सारे ऐसा लोग। भी देखा है, मतलब तरुण की जहाँ पे इतने यंगस्टर्स लोग, ठीक है, जो इतने कम एज में इतने सक्सेसफुल है, इतनी अच्छी इनकम कर रहे हैं, कहीं और जगह पे देखा आपने ऐसा ग्रुप इतने कम एज नहीं, में? अभी तक तो कहीं नहीं देखा, नहीं देखा है नहीं ना, कभी नहीं। मतलब सोचो इस यही पावर है हमारे ग्रुप का कि यहाँ पे लोग कम एज में विथ स्टडी कितनी अच्छी ग्रोथ ले रहे, कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना? ये सबसे अच्छी जी बात है ना? आपको पता है, आप अपने बच्चों को ही बताते होंगे कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो वैसी रंग। सिंपल सी बात यहीं पे भी, यहाँ पे भी आज लागू से होता है। लगभग 2.5 साल पहले मैंने भी स्टार्ट किया था, इसी इन्वायरमेंट में मैं भी आया, धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ। 6 महीने में मैंने मैनेजर लेवल कंप्लीट किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल एक लड़के का जो सपना होता है, कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से फुलफिल कर लिया। ठीक है, अब हमारा गोल है कि अब हम जी बहुत सारे लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करवा सके मेहनत करके। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आपको ये पता है कि फॉरएवर में कितने स्टेप होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं, ये क्लियर है आपको, हाँ, ये क्लियर है मुझे। सबसे है ना? एक बार बताओ कौन कौन से लेवल्स होते हैं। पहले तो आप बनेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर ओके ठीक सुपरवाइजर, फिर है। AM, उसके बाद में फिर मैनेजर। मैनेजर, है ना? असिस्टेंट सुपरवाइजर से पहले भी एक लेवल आता है जिसे हम बोलते हैं नोवेश कस्टमर, है हाँ ना? नोवस कस्टमर, हाँ, तो अभी आप कौन से लेवल पे हो? मैं नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर लेवल पे हो, है ना? नोवस कस्टमर सब हमें जाना है कहाँ पे, AS लेवल पे जाना है। AS लेवल आपको क्लियर हुआ है? लेवल पे व्हाट इज 2 CC, ये क्लियर है? हाँ, वो पता है, वो एक बार आई आप नो। मुझे बताओगे थोड़ा?
कितना क्लियर है मेरे को जाना। मतलब कि इसमें क्या है, 2 सीसी का मुझे पूरा, मतलब 2 सीसी इसका मतलब होता है कि 2000 पॉइंट, और एक सीसी 1000 पॉइंट मतलब कि 18,000 रुपी, ठीक है, इंडियन रुपी के हिसाब। तो ये इतना टर्नओवर हमको कंपनी को करके देना है विद इन 2 मंथ, ठीक है। अगर ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ देन फिर आई विल गो फॉर सुपरवाइजर। इसके लिए सुपरवाइजर की पोस्ट पहुंचने के लिए 5 सीसी कंप्लीट करना होगा, 25 सीसी। हाँ सर, 25 सीसी। बढ़िया, मतलब चलो आपको क्लियर है। जैसे आप आपकी 2 सीसी कंप्लीट होती है, ठीक है, आपको कौन सा लेवल मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर का, है ना। मैं ना आपको किसी थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, लाइक अ टीचर, है ना। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो आपके पास एक खेत है, यू हैव अ फील्ड, आपके पास एक खेत है बढ़िया सा। अगर मैं बोलूँ कि उस खेत से ना आपको 1000 किलो गेहूँ का प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप मुझे उससे पहले फील्ड को प्रिपेयर करना होगा अच्छे से, उसमें खाद देना होगा, देन फिर गो फॉर अ सोइंग। एग्जैक्टली, पहले उससे पहले हमें बीज बोना पड़ेगा, सीड बोना पड़ेगा, है ना। बिना सीड बोए पॉसिबल है हमारा 1000 किलो गेहूं मिल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब आप ये मुझे बताओ, अगर हमें 1000 किलो गेहूं चाहिए, तो क्या हमें 1000 किलो मतलब बीज लेना पड़ेगा या थोड़ा सा लेना पड़ेगा? थोड़ा सा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा लेना पड़ेगा। वही चीज समझाना चाहता हूँ कि 2 सीसी लाइक अ सीड इन दिस बिजनेस, 2 सीसी भी एक बीज है इस बिजनेस में, जिसे हमें एक बार बोना होता लाइफ में, उसके बाद आप जितना चाहे उतना आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। गॉट इट? क्लियरिटी मिली आपको 2 सीसी का? जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप जानते होंगे कृष्णा अरोड़ा, तरंग अरोड़ा सर को जानते हो? नाम सुना है। अगर मैं बात, तरंग अरोड़ा सर एंड कृष्णा अरोड़ा सर हमारे ग्रुप के फाउंडर हैं, जिन्होंने सबसे पहला स्टार्ट किया था, सिर्फ 5 से 6 साल पहले उन्होंने सिर्फ इंटर करा, ये 12th साइंस से, कृष्णा अरोड़ा जो हैं उन्होंने सिर्फ इंटर किया 12th साइंस से। नाउ अभी पता उनकी अर्निंग कितनी है? शायद वो अनबिलीवेबल है, लोगों को बिलीव नहीं होता, बट ये रियल है। आज उनकी मंथली इनकम ना 3 to 4 मिलियन है। कितनी? 3 to 4 मिलियन। कैन यू इमेजिन कितना अमाउंट, कितना बड़ा अमाउंट होता है? मतलब हम सपने भी नहीं सोच सकते उतनी इनकम, जितना इनकम उनको आज महीने में आते हैं। और वो पावर किस चीज़ की? 2 सीसी। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये रिवील नहीं किया जाता, क्योंकि लोगों को हजम नहीं होती। आज कृष्णा अरोड़ा सर पिछले 5 से 6 सालों में ना अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ अर्न कर चुके हैं, 15 करोड़ रुपये। गॉट? मतलब समझ रहे हो? मतलब सोचो, आपने भी स्टडी करी है, मैंने भी स्टडी करी है, मैंने ग्रेजुएशन से कॉमर्स करा है, हम अपनी स्टडी पे ना लाखों रुपये खर्च करते हैं, है ना। लेकिन स्टिल आज आपको ही पता है उसकी क्या मतलब क्या ना दी जाए। चलो आज तो आपकी जॉब लगी हुई बहुत अच्छी, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं मिलती जॉब, 10 लाख जॉब। हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं मिलती है ना, ज्यादातर लोगों के पास जॉब नहीं है, नहीं मिलती है ना। अगर हम सोचे 10-15 लाख स्टडी पे खर्च करने के बाद भी 20,000 की नौकरी के लिए ना तड़पना पड़ता है, नहीं मिलती। लेकिन सोचो अगर हम, हाँ, और जो 15-20 लाख जो हम खर्च तो करते हैं, उसके बदले हमें 2 चीजें मिलती है, जहां तक मुझे लगता है, एक नॉलेज, एक डिग्री, राइट और रॉन्ग? यही 2 चीज मिलती है ना, नॉलेज और डिग्री। लेकिन उस नॉलेज या डिग्री का क्या फायदा तरुण, जब हम उससे पैसा नहीं कमा रहे? कोई फायदा है उसका? नहीं, कोई फायदा नहीं ऐसी डिग्री। आज आपके पास नॉलेज थी, डिग्री भी थी, आज आप अर्निंग कर रहे हो उस बेसिस पे, देन वो आपके लिए बढ़िया है, फायदेमंद है। लेकिन अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे होते, क्या कोई फायदा था? नहीं, कोई फायदा नहीं था। नहीं था। सोचो 10-15 लाख रुपए लग गए, है ना। लेकिन इस बिजनेस में हमें करनी होती है सिर्फ 1 time 2 cc, और उसके बदले भी कंपनी हमें प्रोडक्ट्स दे देती है। लेकिन जो हमने स्टडी में पैसे लगाए, हमें मिली एक नॉलेज और डिग्री, मीन्स वहाँ पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो गया। ये टीजर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है, जो हम कहीं ना कहीं बाहर मार्केट में जो चीज़ें सामान खरीदते हैं, लाइक टूथपेस्ट, शॉप, शैम्पू, कई सालों से खरीद रहे हैं। आप सोचो पिछले 20 सालों में कितने का सामान लाया होगा आपने तरुण, कैन यू इमेजिन? काफी, कोई इसको एस्टीमेट तो नहीं लगा सकते, एस्टीमेट नहीं लगा सकते। अगर लगाते भी हैं तो मान के चलो 10 लाख मैक्स टू मैक्स, 10-15 लाख, है ना, 10 से 15 लाख। आज तक 1 रुपया भी आया क्या? नहीं, नहीं आया। कोई डिस्काउंट मिला? नहीं। जिस भी कंपनी का हम सामान यूज कर रहे हैं, नहीं मिला ना। आज भी हम आगे भी खरीदेंगे, राइट, आगे भी तो खरीदेंगे ना। हमारी जो बेसिक नीड है लाइक टूथपेस्ट, इसके बिना तो हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते, ये तो खरीदना ही पड़ेगा, मजबूरी है, खरीदना ही खरीदना है। पैसा रहे, मजबूरी है, या ना रहे वो आएगा, है ना। लेकिन सेम चीजें जो हम बाहर मार्केट से लेकर आते हैं, अगर हम सेम चीज यहाँ से खरीदते हैं सिर्फ 1 time, तो क्या होगा, हम यहाँ से पैसे कमा, हमारा पैसा भी, हाँ, ठीक है, और डिस्काउंट, साथ में जो पैसा हमने खर्च किया उसके बाद डिस्काउंट भी मिलेगा और सामान भी आ जाएगा। तो नुकसान क्या है हमारा इसमें,
कोई नुकसान है, कोई नुकसान। और दूसरी चीज, हमें एक बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो जो कि 170 देश के लोग यूज करें, बड़े बड़े सेलिब्रिटी यूज कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जो हम बाहर मार्केट से बस कर रहे थे, एक बार हमें यहाँ से करना होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होता है, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। एक सेकेंड रुकना, ए भाई जाना उधर, ठीक है, क्लियरिटी मिली, 2cc समझ आ गया, क्लियर, आगे बढ़े। अब 2cc कंप्लीट करने के ना दो तीन तरीके होते हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया होगा, ठीक है, एक होता है स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक और एक फास्ट होता है ना, ज्यादातर लोग दो ही चूज करते हैं, एक स्लो ट्रैक और दूसरा फास्ट ट्रैक, मीडियम बहुत track. मतलब बहुत कम लोग चूज करते हैं, एक स्लो ट्रैक और दूसरा फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक में 7000 से स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा फास्ट ट्रैक जिसमें हम 2cc से स्टार्ट करते हैं, दोनों से ही इनकम होती है। इनकम आप 7000 से भी कर सकते हो और 2cc भी करके कर सकते हो, बस दोनों में है डिफरेंस। क्या है? दोनों में बेनिफिट्स का डिफरेंस है, वो अभी मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको खुद पता लग जाएगा कि 7000 में क्या डिफरेंस है और 2cc में क्या डिफरेंस है। आपके पास डायरी पेन है? आप निकाल लो, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ 2cc के बेनिफिट्स, ठीक है, जो हमें 7000 में नहीं मिलेगा। ओके जी, हाँ डायरी पेन ले लो आप। ले लिया, बढ़िया। मैं अभी आपको पहला बता रहा हूँ 2cc के बेनिफिट्स, जिससे आप कंपैरिजन कर लोगे इजीली, ठीक है। सबसे पहला, अगर आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आपको जो ज्वाइनिंग कमीशन मिलती है वो मिलती है आपको मैक्सिमम अप टू 30%, ठीक है। 30% का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को रिक्रूट करते हो, ठीक है, तो उनसे आपको कितना का बेनिफिट आएगा, 30%, ठीक है, अप टू 30%, ओके। लेकिन अगर यही हम 7000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यू विल गेट अप टू 25% ओनली, ओके। हाँ, दूसरी चीज, अगर आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आप क्या बनोगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ओके। मीन्स आपका एक लेवल अचीव होता है जिसे हम बोलते हैं FBO, FBO का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर, मतलब कंपनी आपको एक ऑनर का टाइटल देती है, FBO, फॉरएवर बिजनेस ऑनर, और ये टाइटल हमें 7000 में नहीं मिलता, ठीक है। 7000 में क्या होता है कि कंपनी हमें सिर्फ एज अ कस्टमर मान के चलती है, क्या, एज अ कस्टमर, अभी आप कस्टमर हो और प्रोडक्ट यूज करते हुए आप कुछ पैसे कमाना चाहते हो, दैट्स इट, अभी आपका कोई लेवल नहीं होता यहाँ पे, आप सिर्फ कंपनी के नजर में कस्टमर हो, ठीक है। कंपनी आपको बिजनेस पार्टनर तब मानती है जब आपका 2cc कंप्लीट होता है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, ओके, आपको मिलती है एक FBO आईडी कार्ड, ऑफिशियल FBO आईडी कार्ड, ठीक है, हर जगह पे आईडी कार्ड होता है, आपके पास भी होगा कि यू आर असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पे भी एक आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा कि यू आर FBO, ओके, एक आईडी कार्ड मिलेगी आपको जो कि हमें 7000 में कंपनी नहीं देती है, ओके, हाँ जी। नेक्स्ट बेनिफिट, डेली 7:30 ट्रेनिंग्स जो आप अभी भी अटेंड कर रहे हो, ये 2cc के बाद ही मिलती है और 7000 के बाद भी मिलती है, ओके। नेक्स्ट जी, फाउंडर्स प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, जैसे अभी मैंने नाम बताया था आपको, कृष्णा अरोड़ा सर, तरंग अरोड़ा सर, उनकी एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे वो लोग उन्हीं को ऐड करते हैं जो अपना 2cc लेवल कंप्लीट करते हैं और उनको थोड़ा एडवांस लेवल की ट्रेनिंग्स पर्सनल लेवल पे देते हैं ताकि उनकी जल्दी ग्रोथ हो, ठीक है। हर एक ना, हर एक का एक कैटेगरी होता है, तो यहाँ पे हर एक का एक कैटेगरी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट, यू विल गेट टीम बोनस, मीन्स पैसिव इनकम आफ्टर 2cc, ओके, ओके। अब ये पैसिव इनकम, आपको पता है पैसिव इनकम क्या होती है तरुण, एक बार बताओगे? पैसिव इनकम, पैसिव इनकम इसको बोलते हैं जिसमें मैंने कोई काम नहीं किया, जिसको मैंने रिक्रूट पहले से किया है उनके थ्रू जो मुझे अर्न होगा, इट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। ग्रेट, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जांपल जैसे कि मैंने 4 लोगों को रिक्रूट किया है, ठीक है, ठीक है, मैंने उसमें बिजी रह के कुछ काम नहीं किया, तो 4 लोगों ने जो भी मेरे अंडर में रह के काम किया है वो उन्होंने जो भी अर्न किया उसका कुछ परसेंट मुझे मिलेगा। वेरी गुड, अप्रोक्सिमेटली 33% 20
भाई वैसे कुछ है। बिल्कुल 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 आपने सही समझा। ये तो इस बिजनेस की बात हो गई, बाहर मार्केट में भी पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हो, बट उसके लिए आपको चाहिए पहले बिग इन्वेस्टमेंट, बिग कैपिटल। जैसे जैसे रेंटल रूम, ठीक है, आप रेंटल रूम खोल दो एक बार, आपको वहाँ हमेशा पैसा आएगा, लेकिन उससे पहले आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? वो तो बाहर है। से भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में कोई लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, स्टिल आप अर्न कर सकते हो पैसिव इनकम। गॉट इट? और ये पैसिव इनकम आपको 7000 में नहीं मिलती, 7000 में आप सिर्फ करते हो एक्टिव इनकम। जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराओगे, जैसे लेट सपोज आपने 7000 से स्टार्ट किया, तो मान लो आपके साथ भी तो लोग 7000 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी दिखाने को नहीं है कि आपने 2cc कर लिया। ओके, जैसे मान लो आपके साथ किसी ने 7000 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो यू विल गेट, मैंने बताया 25%, राइट? तो 7000 का 25% कितने हो गए अप्रोक्सीमेटली, कितना हो गया, 1750, कितने हो गए, 1750 है ना, 1750 के करीब। तो ये 2000 समझ लो, बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेटली 7000 रुपीज, ये डिफरेंस है। अगर आप 10 पीपल्स को रिक्रूट करते हो, ठीक है, 7000 से, तो यू विल गेट 20000 रुपीज, है ना, 20000 रुपीज। बट आफ्टर 2cc व्हेन यू विल रिक्रूट 10 पीपल, कितना अर्न करोगे आप, कैलकुलेट करो, 70000। ये डिफरेंस है, 7000 में इनकम कम आती है, मेहनत सेम होता है लेकिन इनकम कम आती है। मतलब आप यहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये आप इजिली अर्न कर लोगे, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको एक अच्छा अमाउंट अर्न करना है, लाइक 50-60-70 हज़ार लाख रुपये, तो You will, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 2cc। Your voice is not, your voice is lagging. हाँ, अगर आपको only you can fulfill your dream, sorry, need only, तो 7000 बेस्ट है। लेकिन अगर आपको उससे ऊपर तक का सोचना है, तो मस्ट है कि आपको 2cc कंप्लीट करनी पड़ेगी। ओके, एंड दूसरी चीज ये, 7000 अगर आप कंप्लीट करते हो, तो आप कभी भी सुपरवाइजर नहीं बन सकते, मैनेजर नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है ना, अगर हमने 10th ही नहीं किया, तो हम 12th में कैसे जा सकते हैं? मेरी बात समझ आई? ऐसा भी नहीं जा सकते, ग्रेजुएशन भी नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते ना। बस यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से, जब तक आप 2cc नहीं करते, आप आगे की कोई, आपकी जो टीम है अगर वो 2cc करती है, वो कर सकते हैं आगे लेवल अचीव, बट यू कांट। व्हाट इट मतलब, ये बिजनेस में ऐसा है, मैटर ये नहीं करता कि आप हो, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो, वो आपसे जल्दी आगे निकल सकता है अगर वो आपसे ज्यादा मेहनत करता है। मैटर नहीं करता कि कौन पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो, अगर कौन सा कंप्लीट करता है, बिल्कुल, अब आप क्या चाहते हो? अगर आपने 7000 से स्टार्ट करी है, तो क्या सारे लोग 7000 से स्टार्ट करें? व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो आप? नहीं, पॉसिबल, आपको मजा नहीं, सारे लोग क्यों उससे करेंगे? मेहनत आप सेम करोगे, लेकिन डिफरेंस होगी अर्निंग में। जितना मेहनत आप 7000 के बाद करोगे, उसमें आएगी 20,000, लेकिन अगर सेम मेहनत अगर आप 2cc के बाद करोगे, तो आप उससे कई गुना ज्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आफ्टर 2cc यू कैन फुलफिल योर ड्रीम आल्सो, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है, बताने की जरूरत नहीं। अभी तक आपने जितनी भी 7:30 मीटिंग्स देखी है, सबने लगभग अपने अपने ड्रीम्स को पूरे करे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट्स योर ड्रीम, 3 ऐसे ड्रीम्स बताओ जो आपको अपने लाइफ से चाहिए, चाहिए ही चाहिए, और उसका मतलब पहला ये कि मेरे पास जितने भी बोरो हैं उनको कंप्लीट करना है, जितना मैंने उधार ले रखा है वो सब पूरा देना है, रिटर्न करना है। अच्छा, फर्स्ट, सेकंड ये मैं जो अपना सेविंग्स वगैरह कर पाऊं, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को अपना और अपना फ्यूचर सिक्योर सिक्योर्ड के लिए, ठीक है। दूसरा, तीसरा ये कि मेरा खुद का एक घर हो, राइट, यही ना, घर ना, ओके, ठीक है, घर हो गया, है ना। मतलब पहला आपने बताया कि लोन चुकाना है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे बढ़िया है। उसके बाद सेविंग करनी है आपको, ये भी बहुत बढ़िया। आज मैक्सिमम लोग जॉब तो कर रहे हैं, बट सेविंग के नाम पे जीरो होती है ना। एक ये हो गया, और आपने बोला है घर बनाना है। आप अब ये चीज़ बताओ, ये आपको कौन से एज में करना है, अगर आपको घर बनानी है, कौन से एज में? 40 साल में? नहीं, कौन से एज में? 30-35 साल की एज में, 30-35। चलो ठीक, अभी आपकी क्या एज हो रही है? 27। नाउ यू हैव ओनली 3 ईयर्स, yes. है ना,
3 ईयर्स। अब मान के चलते हैं, लेट सपोज अभी आपकी इनकम मैं मान के चल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली 20,000, उससे ऊपर भी हो सकता है बट आई डोंट नो, कितनी मान लो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, इससे ज़्यादा या कम है? नहीं ज़्यादा है। इससे ज़्यादा है 30,000। चलो अगर मान के चलते हैं, मान लो 50,000, लेट सपोज 50,000 मान के चलते हैं, ठीक है 50,000, तो एक साल में आप कितना अर्न कर रहे हो उस हिसाब से? 6 लाख रुपए। 6 लाख। 6 लाख रुपए, तो 3 साल में कितना अर्न करोगे? 18 लाख। 18 लाख। अब आप इसमें लोन चुकाओगे, सेविंग करोगे या घर बनाओगे? कुछ भी पॉसिबल, इसमें पहले जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो भी तो ऐड होना है, इसमें मंथली और डेली वो सब हटा दो, मंथली एक्सपेंसेस वगैरह सब इसी में ऐड है, उसके बाद जो बचेगी उसके बाद आप उससे लोन चुकाओगे, सेविंग करोगे या घर बनाओगे? और घर भी आज के टाइम पे नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं, कुछ भी कोई चीज पूरी इसमें घर तो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है थोड़ा कुछ 8 लाख का सेविंग हो जाए, 5-6 लाख, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता है कि लोन भी कंप्लीट हो जाए, घर नहीं बनेगा है ना, और उस घर बनाने के लिए कम से कम नहीं तो 30-40-50 लाख तो चाहिए, डिपेंड करता है। हाँ जी है ना, तो समझ आया। बट अभी अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, अगर आप अच्छे से करो एक साल के बाद से ना आप ये सोचना शुरू कर सकते हो कि मुझे घर बनाना है। अभी रिसेंटली मैंने अभी परचेस कराया लैंड ओनली, अभी आफ्टर दुर्गा पूजा मतलब अक्टूबर नवंबर में मैं अपना घर बनाना शुरू करूंगा। मेरे को ज़्यादा नहीं 2.5 साल हो रहे, मैंने क्या बोला 1-1.5 साल के बाद आप यहाँ से थिंक कर सकते हो कि मैं ये करूँगा। कर सकते, हाँ ठीक है, यहाँ से पॉसिबल है, आप जो कर रहे हो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है। अगर आपको इधर से भी और कुछ आने लग जाए आने वाले 1 साल के बाद, अगर आप सोचो, मैं ज़्यादा नहीं बात कर रहा, यहाँ 1 लाख कमाना तो बहुत आसान है आफ्टर मैनेजर, आप इजिली अगर 1 लाख कमाओ तो क्या लगता है, क्या पॉसिबल नहीं है? क्या पॉसिबल है? क्यों नहीं है पॉसिबल, इजिली पॉसिबल है, और यहाँ से पॉसिबल है क्योंकि आप यहाँ पे 500 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है 99% जो होंगे ना आपसे कम एज के, 99% लोग आपसे कम एज के, मैं भी आपसे कम एज का हूँ, कृष्णा ओनली 24 राइट नाउ, अभी वो घर बना रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीज़ की, जो मेरे मेंटोर है मिस्टर तरंग अरोड़ा सर, उन्होंने ऑलरेडी बनाया 3 करोड़ रुपए की। कैन यू इमेजिन कितनी बड़ी बात है यार, इतने कम एज में तो लोग खेलते कूदते रहते हैं, बाइक में घूमते रहते हैं, लेकिन बड़ी बात ये नहीं कि आज उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई, बड़ी बात ये है कि आज उन्होंने अपने साथ साथ 500 लोगों की भी जिंदगी बनाई है, ये सबसे बड़ी बात है। आज के टाइम पे देखो आप भी पैसे कमा रहे हो, क्या आप अपने भाई को पैसे कमा सकते हो? यू हैव अ पावर? आपको नहीं कमा पाओगे। आफ्टर योर सन इन योर सेम डिग्री पॉसिबल है आपका आने वाला जनरेशन कि आपके सेम डिग्री पे पैसा कमा सकता है? नहीं कमा सकता, नहीं पॉसिबल है। लेकिन इस बिजनेस में ऐसा ही है, अगर अभी मैं इस बिजनेस से छोड़ के जाऊँ तो मेरा आने वाला जो जनरेशन होगा ना, मैं जिस लेवल को छोड़ के जाऊँगा, जिस इनकम को छोड़ के जाऊँगा ना, वो इनकम उसको इनहेरिट हो जाएगी, मतलब जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के बाद दिस इज बिजनेस। जॉब में क्या है, ओनली योर बेनिफिट जब तक आप काम कर रहे हो, बस तो तब तक आप मेहनत कर रहे हो सिर्फ अपने लिए, लेकिन उसके बाद ये आपका जो जॉब है आपके बच्चे को तो नहीं मिलने सर, उसको भी डिग्री लेनी पड़ेगी जितना आपने पढ़ाई करी है। एक डॉक्टर भी अपने बच्चे को अपने डिग्री पे डॉक्टर नहीं बना सकता, उसको भी लेनी पड़ेगी डिग्री, नहीं पॉसिबल नहीं। इस बिजनेस में ऐसा है, आप जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो जब तक आप हो तब तक आप तो फायदा उठा रहे हो, लेकिन आफ्टर यू आपका आने वाला जनरेशन इसका फायदा उठाएगा। बताओ इससे अच्छा बिजनेस कहीं मिल सकता है क्या? नहीं लगता, नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकता। इस बिजनेस से पता है चार ऐसी चीजें हैं ना तरुण जो कहीं नहीं मिल सकता यार, अगर मिल जाना तो मुझे ही बताना। सबसे पहली तो हेल्थ, जो कहीं नहीं मिल सकता, कितने घिस लो यहाँ पे, सबसे पहले मिलती है हेल्थ, फिर आती है फाइनेंशियल फ्रीडम, समझ रहे हो, उसके बाद आती है एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, अभी जो जिसकी मैंने बात करी है जो आज के टाइम पे कहीं भी नहीं है, सिक्योरिटी समझते हो ना, जो कि पहले गवर्नमेंट जॉब में था अब वो भी नहीं है, राइट आर्यन जी, खत्म हो गई ना सिक्योरिटी वाला, खत्म हो गया। लेकिन इस बिजनेस में सिक्योरिटी भी है और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए जो आज ना तड़पते हैं, टाइम फ्रीडम, कहाँ से यार मेरे पास टाइम होता अपना खुद का, है ना, पैसे तो कमा रहे नो डाउट, बट उनके पास टाइम नहीं उस पैसे को स्पेंड करने के लिए। आज लोगों के पास पैसा है बट हेल्थ नहीं है उस पैसे को, भैया खाएं कुछ अपने मन का, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में ये चार चीज़ें मिलती है साथ में, मतलब यू कैन अचीव यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल, नॉट ओनली लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल और लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क होता है। लाइफ स्टाइल में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे लेकिन हेल्दी लाइफ स्टाइल वाले बहुत कम लोग मिलेंगे,
और आपको यहाँ पे मिलती है वो चीज़। प्रोडक्ट्स इतने बेस्ट है, अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे ज़िंदगी में बीमार नहीं पड़ोगे। मैं पिछले 2.5 साल से आज तक मेरे को ना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही मेरे घर वालों को। सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ, आपको ही पता है हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, अगर एक पर्सन का भी खराब हुआ ना फैमिली में, ख़त्म, जमीन जायदाद सब बिक जाती है और इंसान भी नहीं बचता। हाँ वो तो है। एग्री? तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस में मिलती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बेनिफिट लिखते हैं, जी ये बेनिफिट हो गया। पर्सनल मेंटोरशिप बाई कृष्णा अरोड़ा, अभी जिनकी मैं बात कर रहा था उनकी एक पर्सनल मेंटोरशिप होती है जो कि वो उन्हीं को प्रोवाइड कराते हैं जो 2CC कंप्लीट करते हैं। और अभी उनकी पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है कल, कल तक जितने भी लोग अपनी 2CC कंप्लीट कर लेंगे उनको वो ट्रेनिंग मिलेगी। और नेक्स्ट कब होगी आई डोंट नो, अभी डेट नहीं आया, ठीक है। अगर आप कल तक कंप्लीट करते हो इफ़ पॉसिबल तो यू कैन गेट, अदरवाइज नेक्स्ट बार जब होगी वो आपको मिलेंगे, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग का ही पावर है, ठीक है, जो कि आज यहाँ पे 500 लोग मैनेजर बने। अभी हम लोग का फिजिकल मीटिंग था, अगर आपने मेरी स्टोरी वगैरह देखी होगी तो देखी थी आपने, देखी थी, हाँ देखी थी मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम। सारे लोग आए थे ऑल ओवर इंडिया से, ठीक है। तो जितने भी लोग 2CC कंप्लीट करते हैं उनको पर्सनल लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट लिखो, आपको मिलेगी एक कोर्स, अचीवर्स क्लब बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स वर्थ ₹75,000 फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे बिजनेस डेवलपमेंट एक कोर्स है, ठीक है, जो जिसमें अभी जो मैंने बताया कृष्णा अरोड़ा सर, तरंगा अरोड़ा सर, उन्होंने अपने पिछले 5 साल के ज्ञान उस कोर्स में डाल रखा है कि उन्होंने आज इतना बड़ा लेवल अचीव कैसे किया। सोचो अगर वो आपको मिल जाए कोर्स तो कैसा रहेगा, मज़ा आ जाएगा ना, काफी अच्छा रहेगा। कितनी सारी चीज़ों हम गलती करने से बच जाएंगे, उसमें सारी चीज़ उन्होंने बताया हुआ है। जैसे अभी आप टीचर बने तो आपको पता है कि आपने टीचर कैसे बनाया, अगर आप एक कोर्स बनाओगे तो उससे बहुत सारे लोग टीचर बन सकते हैं। सेम उसी तरीके से ये कोर्स की वैल्यू है ₹75,000, बट आफ्टर 2CC आपको फ्री में मिलती है, ठीक है। उसके बाद अचीवर्स क्लब का नेशनल ट्रिप होता है एक, अगर आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में अचीवर्स क्लब के पेजेस पे, ठीक है। तो एक ट्रिप होती है जो कि इंडिया के किसी भी कोने में साल में 3 से 4 बार घुमाया जाता है, ये ट्रिप आफ्टर 2CC आपको मिलती है। अच्छा आज तक कभी ट्रिप पे गए, मतलब इधर उधर, मतलब बाई कॉलेज, कॉलेज दोनों, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और एक एक पर्सन, दो पर्सन, 10% के साथ नहीं, 400-500 लोगों के साथ में, कैसा मजा आएगा, वो अलग मजा है, काफी अच्छा रहेगा, है ना, वो अलग मजा है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलती है एक कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। आपको पता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर में, है ना, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेसिंग सेंस, हाउ टू इंक्रीज योर वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। आपको वो कोर्स फ्री में मिलेगी और उसकी वर्थ है ₹50,000, वो भी आपको फ्री में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपको मिलती है एक लेवल अप ट्रेनिंग। लेवल अप ट्रेनिंग मीन्स वॉट, मतलब जैसे होता है ना 10th से अगर हमें 11th पे जाना है तो इसके लिए क्या करना होगा, 1 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी एक लेवल अप ट्रेनिंग होती है कि आप 2CC के बाद सुपरवाइजर कैसे बनोगे, मैनेजर कैसे बनोगे, असिस्टेंट मैनेजर कैसे बनोगे, ठीक है। इसकी भी आपको ट्रेनिंग मिलती है आफ्टर 2CC। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको मिलेगी नेक्स्ट बेनिफिट, लीड्स, कॉन्टैक्ट नंबर, जिनसे हमारा ये बिजनेस बढ़ेगा। इसी बिजनेस में नहीं, हर एक बिजनेस में लीड्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके कॉलेज में नए नए भर्तियाँ ना हो, क्या कॉलेज चलेगा? नए स्टूडेंट ना आए तो नहीं चलेगा, वहाँ भी लोगों की जरूरत है। हाँ जी सर, क्या बोल रहे हो? बोले वहाँ पे भी फिर सैलरी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी भैया, पूरी दुनिया लोग खोज रहे, लोगों से ही दुनिया चल रही है, तो इस बिजनेस में भी हमें लोग से ही चलती है। आपका, आपके कॉलेज का प्रिंसिपल भी चाहता होगा हर महीने मेरे कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे भर्ती ले, है ना। तो यहाँ पे भी आपको इसके लिए मिलेगी लीड्स, समझ रहे हो, लीड्स मिलेगी जिनको आप बिजनेस बना सकते हो। Got it? Next benefit. Yes, तो ये 7000 में, 7000 में leads नहीं मिलेगा क्या? Leads contact. उसमें आपको सिखाई जाती है, मिलेंगी थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें आपको मेन सिखाया जाता है लीड्स को कैसे जनरेट करना होता है, जनरेट करके आप कैसे काम करोगे। मिलेगी आपको लीड्स, उसमें भी मिलेगी, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा, है ना, ये चीज है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारे बेनिफिट थे 2CC कम्प्लीट करने के, ठीक है। तो बेनिफिट क्लियर हो गया आपको, सारे बेनिफिट 2CC के, और इसे मैंने आपको 7000 का बता दिया। आप मुझे बताओ किसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट लग रहा है आपको, 2CC में, है ना। अब बताती है 2CC कैसे होगी, और अभी मैं आपको एक बढ़िया सा बताने वाला हूँ, गुड न्यूज, जिसको जान के हो जाओगे आप बहुत खुश, ठीक है, बता दूं? चलो बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये बताओ, चलो मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुको।
आपको दिख रही है जो मैं लिख रहा हूँ, दिख रही है? बढ़िया, ठीक है। देखो टू सीसी का अमाउंट कितना है बताओ, टू सीसी का अमाउंट कितनी, 36 to 38,000, ठीक है। 1-1.5 हजार का वो डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, ठीक है। कितने, 36 to 38,000। ओके, अब आपको करनी है टू सीसी। अभी तक आपने कितना कंप्लीट किया है, 7,000, राइट। अगर हम माइनस करें तो और कितने बचते हैं, 31,000, सही है, 31,000 है ना। अगर मान लो, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको टू सीसी करना हो तो आप ये कैसे कर सकते हो, कंप्लीट अरेंज कैसे कर सकते हो, फिर अभी मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताऊंगा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है, ओके, चलो ठीक है, कोई नहीं, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। देखो गुड न्यूज़ क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ। हाँ कोई नहीं, वो तो आपकी चॉइस है, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ वो गुड न्यूज़ आप सुन लो, ठीक है, उसके बाद तो चॉइस आपकी है, ठीक है। अब ये गुड न्यूज़ ये है, ठीक है, कि अभी ना कंपनी दे रही है टू सीसी करने के लिए डिस्काउंट, क्या दे रही है, डिस्काउंट 38,000 है ना। कंपनी बोल रही है कि अगर अभी इस महीने जो भी पर्सन अपना टू सीसी कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो कंपनी उसको देगी 9,000 के डिस्काउंट। मीन्स कितना हो गया, अगर हम 9,000 माइनस करते तो 29 ना, 29,000 में टू सीसी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें से आपने कितना कर लिया, 7K माइनस करते तो कितनी बचती है, 22K। क्लियर हुआ? मीन्स ये कि अगर आप कोशिश करते हो, ऐसे तो आपका 7,000 से स्टार्ट हो चुका है, अगर आप कोशिश करते हो अपनी टू सीसी कंप्लीट करने की, तो आपका डिस्काउंट में टू सीसी कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। और देखो ये ऑफर है, अब ये कब तक रहेगा वी डोंट नो, ये कंपनी के हाथ में, अभी तो फिलहाल चल रहा है, अभी ये नहीं पता ये 10 तारीख तक रहेगा, 15 तक रहेगा, 20 तक रहेगा, ये कंपनी के ऊपर है, जब तक शो हो रहा है तब तक वे तो मिलेगा। बाय द वे, अगर ये खत्म हो जाती है, लेट सपोज आप इस महीने नहीं करते हो, आप अगले महीने करते हो, तो इस हिसाब से कितने में टू सीसी करनी पड़ेगी, आप बताओ। 21,000 7,000 फिर काउंट, ये 7,000 काउंट नहीं होगी ना उसमें, ये एक तरह का कॉम्बो होता है जिसमें हमें एक बार में ही टू सीसी कंप्लीट करनी होती है, गॉट इट। जैसे लेट सपोज अब आप नहीं करते हो, अगले महीने आपको टू सीसी, अगर ये ऑफर रहा तब तो आप इसी में कर लोगे, लेकिन अगर ऑफर नहीं रही तो आपको कितने में करना होगा, 36 to 38, ओके। और अभी जो आपका इधर 7,000 लगा, वो इस हिसाब से कितना हो गया, फोर्टी फाइव थाउजेंड। लेकिन अगर हम इस महीने कोशिश करते हैं अपनी टू सीसी कंप्लीट करने में, तो कितने में हो जाएगी, 22। 7,000 आपने कर लिया, जो कि वो ऐड हो जाएगा आपके इसी टू सीसी अमाउंट में। ये एक बेनिफिट है, ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप कोशिश करते हो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7,000 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हो तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, और ये ऑल टाइम आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, और आपका लगभग 15-20 हज़ार का सेविंग भी है। दूसरा तरीका क्या है टू सीसी करने का, ये भी बता देता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा तरीका ये टू सीसी का कि आप बाई अर्निंग कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कम से कम 2 महीने का टाइम तो लगेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 7,000 में अर्निंग थोड़ी कम होती है, आप अर्निंग करके करोगे, जैसे लेट सपोज अभी आप इस महीने आप काम करोगे, लेट सपोज आपने इनकम किया 10K, लेट सपोज 10K, ये आपको आएगी अगले महीने 15 तारीख को, हर हर महीने 15 तारीख को पैसा आ जाता है, 15 आपने कितना अरेंज किया, 10K आपने कमाया, आपने दूसरे महीने, अभी फेब चल रहा है, मार्च में आपने काम किया, लेट सपोज आपने कमाए 20K, ये पैसा कब आएगा, मार्च में आएगा, मार्च में आके आपने अरेंज, आपके पास जमा हुआ कितना, 30K, 30K जमा हुआ मार्च में। अब आप टू सीसी फिर कब करोगे, सॉरी मार्च में नहीं, अप्रैल मई में आपकी फिर टू सीसी होगी, 3-4 महीने लग जाएंगे, और आपकी इनकम सिर्फ कितनी होगी, 50,000 के करीब। लेकिन वही अगर आप टू सीसी करते हो तो आपको क्या लगता है, आप मुझे अपने अकॉर्डिंग बताना, आने वाले 3 महीने में कितनी इनकम कर लोगे, जिस हिसाब, अगर मान के चलो सिर्फ ज्यादा नहीं मैं बोल रहा,
सिर्फ 10 लोगों की टीम बनती है 3 महीने में अप्रोक्सीमेटली, उससे ज्यादा भी हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या लगता है अगर जैसे मान लो 2 CC आपने किया, मैंने आपको डेली 20 लोगों का नंबर दिया, ओके 20 लोगों का, आप मुझे बताओ 1 महीने में कितने लीड्स हो गए? 600। अगर हम 600 लोगों को काम समझाते हैं जैसे आपने समझा है, आप मुझे बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो 2 CC के बेनिफिट जानने के बाद वो 2 CC कर लेंगे? मान के चलते हैं 10 लोग, 10 लोग मान लो 2 CC करने के लिए रेडी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 2 CC नहीं करना चाहेंगे, वो बोलेंगे सर मेरे को 7000 से ही करनी है, हो सकता है सर? तो मान लेते हैं 15 लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे 7000 से ही करनी है, बोले चलो ओके कोई इशू नहीं है। अब मैं आपकी इनकम पोटेंशियल बता रहा हूँ कितना जा सकता है, सिर्फ मैं 3 महीने की बात कर रहा हूँ या ये 1 महीने का भी हो सकता है। अगर 10 लोग 2 CC करते हैं तो यू विल गेट 70,000 पैसे हो गए पहली चीज। अगर 15 लोग 7,000 से स्टार्ट करते हैं तो कितना हो गया, 1,05,000 का आपने टर्नओवर दिया तो उसका कितना मिलेगा आपको, मैंने बताया था 25%, अच्छा 2 CC के बाद, चलो 2 CC के बाद 30% है ना, तो कितना हो गया 1,05,000 का 30% मान के चलो 30,000, कितनी इनकम हुई 70,000 प्लस 30,000 1,00,000 रुपये। मतलब कि अगर इस महीने 2 CC करते हो तो आने वाले 3 महीने में आप इजीली 1,00,000 से ज़्यादा कमा लोगे, लेकिन अगर आप 7,000 से स्टार्ट करते हो तो आने वाले 1-2 महीने में आराम से 40-50-60,000 रुपये कमाओगे, बस ये डिफरेंस है। क्योंकि देखो जब तक आप 2 CC नहीं करोगे एक हिसाब से, तो क्या आपके जो लोग हैं उनको आप कैसे बोलोगे 2 CC करने के लिए? आपका कोई फ्रेंड ही है लेट सपोज, वो बोलेगा कि भाई, भाई उनको भी दिखेगा ना भाई 2 CC, तो पूछेगा भाई तूने कर लिया, तो आप क्या बोलोगे? बोलेगा भाई मैंने तो 7,000 से किया, बोले चल मैं भी कर लेता हूँ। मेरी बात समझे? ये होगी लोचा थोड़ा सा यहाँ पे। इससे नुकसान आपका ये, एक तो आपका ऑफर चला गया जो अभी चल रहा है जिसमें आप कम अमाउंट में 2 CC कर सकते हो, 3 महीने में जहाँ आप 1,00,000 कमाने के लिए आप 40-50,000 ही कमाओगे, पैसा रिकवर भी हो मान के चलो, अभी आप 2 CC करने का सोचते हो, क्या लगता है आप मुझे बताओ 30,000 रिकवर होने में 1 महीने ज्यादा टाइम लगेगा क्या, या 2 महीने मान लो? नहीं लगेगा 2 महीने में क्या 30,000 रुपये कितने 7×21=28, 4 लोगों की 2 CC 2 महीने में नहीं होगी? हो ही नहीं सकता, आराम से उससे ज़्यादा ही होती। तो पैसे तो रिकवर हो रहे हैं आपके इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, और आपकी 2 CC भी हो गई, और जो मैंने बेनिफिट बताए 2 CC की वो सब भी मिला, क्योंकि जब तक वो सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेगा आप थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ नहीं जा पाओगे। जैसे कोर्स हो गया, कृष्णा सर का मेंटोरशिप हो गया, वो सारी चीज़ें मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 CC करने का, अच्छा आपको क्या लग रहा है कि अगर हम अभी 2 CC करते सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या दिख रहा है, आप बताओ? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, नहीं होंगे, आपको पैसा बनेगा लेकिन वो आपके सीसी में काउंट, क्योंकि वो उनका पर्सनल काउंट होगा ना, आपका थोड़ी काउंट होगा, वो तो उनका काउंट होगा, बस यही डिफरेंस है। और हाँ आपका सुपरवाइजर भी बन गए, तो 2 CC तो एक छोटा सा लेवल है। हम अगर प्लानिंग दे रहे हैं तो मैं आपके अंदर AS नहीं देख रहा है, AS तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, आप भी कर लोगे, आगे का लेवल देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। अगर आपको चाहिए, आप क्या चाहते हो, मैनेजर आप कब बनूं, 2 साल में जैसे मैंने किया था 6 महीने में? और पता है मैं आपको रियली बता रहा हूँ, अभी तो आप मेरे से बहुत अच्छे लेवल पे हो। मैं ना 2,000 रुपये का मतलब पढ़ाता था ट्यूशन, 2 से 3,000 रुपये का, अगर आपने मेरे इंस्टा पे फोटो देखी होगी तो आपने, आपको उसी से समझ आ गया होगा, सोचो मैंने कैसे करी होगी 2 CC। और उस टाइम पे एक ही ऑप्शन था सिर्फ 2 CC का, 7,000 भी नहीं था, सिर्फ एक ही था। मैंने किसी ना किसी तरीके से दोस्तों से मांगा, कुछ दोस्तों ने मना कर दिया जिस पे सबसे ज़्यादा मैं विश्वास करता था, फिर भी किसी से लोन लेके, मतलब किसी ना किसी तरीके से मैंने एक बार किया, और 2 महीने में मैंने कमाए थे लगभग 35,000 से 40,000 रुपये, ठीक है, और जिससे मैंने लिया था उसको दे दिया था। फाइनेंशियल कंडीशन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने कर लिया था, क्योंकि बिलीव था अपने ऊपर कि आई कैन डू इट, मैं कर लूँगा, जब इतने सारे लोग करेंगे तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तभी जाके फिर मेरा, पता है मेरा 25 डेज में सुपरवाइजर हो गया था,
जल्दी 2 CC करने के चक्कर में, क्योंकि मेरे अंदर एक मोटिवेशन थी कि अब मुझे आगे का लेवल्स करना है, इसके बाद फिर 6 महीने में मैनेजर हो गया था। तो अगर अगर आप भी चाहते हो कि 2024 में आप भी मैनेजर बनो और एक अच्छी इनकम पे चले जाओ, ज़्यादा दिन देखो आपके पास टाइम भी नहीं है, अगर मैं ऐसे देखूँ तो आपकी शादी की भी एज हो जाएगी 2 सालों में, करोगे ना तो क्यों ना भैया मैनेजर बन के किया जाए शादी, और मज़ा आएगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुई, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ भी अगर आप मैनेजर रहोगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी, ठीक। अगर आप कोशिश नहीं करते हो तो फिर दिक्कत है कि आप मैनेजर भी, मेहनत आप करोगे नो डाउट, लेकिन उस मेहनत का जो रिजल्ट एक्चुअली मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो आप क्या चाहते हो, रिजल्ट मतलब आपको मेहनत करके ज्यादा फायदा हो या कम फायदा हो? ज्यादा फायदा है ना। देखो मैं आप जहां तक मैं जानता हूँ ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, अगर 2 CC की बात करें, क्या इम्पॉसिबल है? टफ है, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मैंने भी किया है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, राइट? अगर मैं एक बात करूं, अगर अभी हमारे फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, 1 लाख की जरूरत है, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं है लेट सपोज, और 1 लाख रुपया बोलता डॉक्टर चाहिए, हम डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब ये मेरा पैसा नहीं, आप इलाज मत करो, या कहीं ना कहीं से ला के देंगे, देंगे देंगे भैया, ये नहीं हम डॉक्टर को बोलेंगे भैया मेरे पास नहीं है, वो ला के देगा, क्योंकि वहां पे वाई क्लियर है, भैया बचानी है जान। तो अगर यहाँ पे आपका भी वाई क्लियर है तो गो फॉर इट, आप करने की कोशिश कर सकते हो, होगी वेल एंड गुड, नहीं होगी तो भी तो यू हैव ऑप्शन ना, 7000, लेकिन एक बार ट्राई करने में पैसे थोड़ी लग रहे हैं, करके देखेंगे फायदा। देखो आपका ये देखो मेरा क्या है, अगर आप 7000 से स्टार्ट करोगे उसके लिए भी मैं आपके साथ हूँ, 2 CC करोगे उसके लिए भी साथ हूँ, लेकिन अगर आप मेरे अपने सगे बड़े भाई भी होते ना, मैं आपको यही बोलता कि भाई आप 2 CC से करो, ठीक है, बाकी चॉइस इज योर, यू हैव ऑप्शन, ठीक है। आपको मैंने सारी चीजें बताई, किससे ज्यादा बेनिफिट लग रहा है, अगर आप 2 CC करोगे आपके पैसे जल्दी रिकवर हो जाएंगे, ठीक है, इजिली। तो अगर 7000 से करोगे ना तो एक उस लेवल का मतलब क्या बोलते हैं काम करने का जज्बा नहीं आएगा, मेरी बात समझ रहे हो, लेकिन अगर आप 2 CC करोगे ना एक नेक्स्ट लेवल का जज्बा आएगा आपके अंदर काम करने का, क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप में आओगे जहां पे बहुत सारे लोग 2 CC करते हैं, आपको और मजा आएगा काम में, आप दूसरों को भी एक फुल मोटिवेशन के साथ बताओगे, कितना ही छुपाओगे आप, कितने ही छुपाओगे, लेकिन अगर आपके पास एक दिखाने के लिए होगा ना वो अलग लेवल का काम करता है। अभी जैसे हमारी CLT मीटिंग हुई थी, आपने देखा होगा, नेक्स्ट ईयर हर साल ये होता है, ठीक है, और आई वॉन्ट कि नेक्स्ट ईयर आप हमारे साथ चलो नेक्स्ट बार CLT मीट में, कितना मजा आएगा। वो अभी बहुत सारी हमें ना गिफ्ट मिली थी आपको, मैं देखो ये सारी चीजें है ना, बहुत सारे लोगों को मिली थी, दिख रही इस क्लब का ये बॉटल है, और भी बहुत सारी चीजें, देखो ये बैग वगैरह, बहुत सारी चीजें, काफी अच्छी डायरी मिली थी, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो है ना, ये अचीवर्स क्लब की डायरी है ना, मतलब बहुत सारी पे मिलती है, ये तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वहां पे जो सीखने को मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं। वहां पे आप मिलोगे वैसे लोगों से जो भैया लाखों की इनकम करते हैं, उनका माइंडसेट देखोगे, उनसे मिलोगे ना तो आपको पता लगेगा, ठीक है। और सबसे देखो आपका पैसा डूबने से रहा, ठीक है, डूबने से तो नहीं रहा, आपको तो प्रोडक्ट्स मिलेंगी और आप यहाँ से कमा के पैसे भी रिकवर। आप एक चीज सोचो ना, हमारी स्टडी पे जितने पैसे लगे क्या अभी तक हमने रिकवर करे कमा के? नहीं करे ना, तो क्या वो हमारा प्रॉफिट है? लाइक अभी यू आर अर्निंग, तो क्या इट्स योर प्रॉफिट? नो, जो आपने लगाए हैं वही वही निकाल लो, जो हमारे फादर ने लगाए स्टडी पे पैसे 10-15 लाख रुपए, पहले वही तो निकालोगे ना, उसके बाद हम प्रॉफिट का सोचेंगे, एग्री करते हैं? तो यही चीज तो सोचना है, हमारे फादर 10-15 लाख रुपए लगा चुके हैं हमारी स्टडी पे, उन्होंने कभी नहीं बोला बेटा मेरे पास पैसे नहीं तेरे स्टडी पे देने के लिए, तो क्या हम इतना सा नहीं कर सकते अपने के लिए? कुछ नहीं यार, इतने में तो एक मोबाइल भी नहीं आता सही ढंग से, 20-25 हज़ार में, सोचो अगर आप एक पान का गुमटी भी खोलने जाओगे ना आज के टाइम पे 20 हज़ार में खुल जाएगा, 30 हज़ार में, कुछ नहीं है आज के टाइम पे, 20-30 हज़ार क्या ही मायने रखता है यार, हवा है, हवा हवा है, ऐसे ही निकल जाता है। अगर अभी आज आपका मोबाइल फोन बाय द वे खराब हो जाए, भगवान ना करे खराब हो, लेट सपोज खराब हो जाए या पानी में गिर जाए, रह पाओगे एक दिन भी? यस और नॉट? भैया कितने लोगों का मैसेज आएगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ना, स्टूडेंट्स के आएंगे मैसेज, तुरंत दूसरे दिन नया फोन आ जाएगा, भले ही वो EMI पे आए बट आएगा जरूर, है ना। तो सेम उसी तरीके से इस बिजनेस के लिए भी है, तो अगर ये भी एक अर्जेंट है, यहाँ पे एक तरीके से ये भी आपका एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिसको दूर करना है जल्दी से जल्दी, तो इसके लिए आपको जल्दी पैसा कमाना है तो जल्दी स्टार्ट भी करना होगा, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी चीज़ सोच कर आए हो ना, मैं आपको अगर भैया ही बोलूँ तो भैया आप जो भी चीज़ सोच कर आए हो ना
इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है, आप अपने जो भी चीज़ सोच कर आए हो मिलकर पूरा करेंगे, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप मेरे पे बिलीव करते हो, हमारे सिस्टम पे बिलीव करते हो, तो आई एम विथ यू ऑलवेज, मिलकर ग्रो करेंगे और 2024 में बेस्ट करेंगे। बस इतना मैं जरूर बोलूँगा कि आपका मैं एक रुपया वेस्ट नहीं होने दूंगा, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ठीक है। बाकी आप फुल कोशिश करो कि 2CC ही कंप्लीट हो, बहुत अच्छा, क्यों क्यों 45,000 रुपये लगाने बताओ, क्यों नहीं बचाना, अगर करनी ही है एट दी एंड, आपको विजन देखा ही है तो भैया छोटा सा ही क्यों, अच्छे से करेंगे ना, बस वही चीज़ है। कर 45,000 रुपये फालतू 15,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाओगे, इससे बढ़िया कि अभी कम में हो रही है तो अच्छी बात और क्या हो सकती है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आपके पास प्रोडक्ट्स आएंगे ना, कैसा रहेगा अगर मैं आपको वो भी सेल करवा दूँ 10-15 हज़ार रुपये के, हो जाएंगे वो भी, मैं बताऊंगा कैसे। आपके फैमिली में, रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होगी, यस नो, होगी ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि उनसे आपको बोलना क्या है, बस आपको उन लोगों से ना मेरी बात करवानी है। आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, कुछ प्रोडक्ट तो आपको खुद ही यूज़ करने हैं, बाकी जो कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स है ना वो मैं आपका आपके ही लोगों में सेल करवा दूंगा, जिससे आपको वो पैसे भी आ जाएंगे। तो सिंपल सी है ना, आपने पैसे लगाए, प्रोडक्ट्स आए, प्रोडक्ट आपने दिया, पैसे रिटर्न, फ्री हो गया आपका। मैंने तो सही किया था, 2CC ज़्यादा तो नहीं, मैंने 8-10 हज़ार का मैंने प्रोडक्ट्स अपने चाचा को दे दिया था, वो रेलवे एम्प्लॉय थे, तो मैंने उनको बताया ऐसा ऐसा है तो आप एक बार ले लो, उन्होंने 2-3 हज़ार के लिए ऐसे करके 4-5 लोगों को दिया, वो भी पैसे मेरे वापस हो गए जो मैंने लगाए थे 2CC के लिए। तो अगर अगर देखा जाए ऑल ओवर तो कुछ तो नहीं लगा, कहाँ लगा, अगर आप 2CC कर रहे हो 30,000, अगर 15,000 के प्रोडक्ट सेल ही हो गए, लगे कितने, 15,000, जो कि आप खुद भी तो यूज़ करोगे, खुद भी तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। आज क्या कर रहे हैं हम लोग, हेल्थ पाने के लिए, सॉरी पैसा पाने के लिए हेल्थ गवा रहे हैं, और बाद में क्या होता है जब हेल्थ खराब होती है, तो जो हम हेल्थ गवा के पैसा कमाए ना, उसी पैसे को हेल्थ को वापस पाने के लिए दे डॉक्टर को, तो बढ़िया कौन सा है, डॉक्टर को देना या खुद पे इन्वेस्ट करना। आप तो बच्चों को ही पढ़ाते हो गए, हमने ही पढ़िया हेल्थ इज वेल्थ, सिंपल सी बात है। आज लोग हेल्थ पे कौन ध्यान दे भैया, नहीं देता यार। आज इंडिया में ये पता है बीमारी होने के बाद क्या करना है, लोगों को ये नहीं पता कि बीमार अगर नहीं होना उसके लिए क्या करें। लोगों को पता है अगर बीमार होंगे डॉक्टर दवाई खाना है ना, अगर बीमार नहीं होना उसके लिए क्या करना है पता भी है तो भी नहीं करते, ये ना। तो यहाँ पे वही चीज़ तो, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ। और आप आज के टाइम पे लोगों की एज क्या है, हमारी कितना ही है, 60-70, उससे ज़्यादा है क्या? अगर हम बोले एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स यूज़ करके अगर हम कुछ साल अपना बढ़ा लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वही चीज़ तो यहाँ पे है ना, अगर मान लो हम प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ अच्छी होगी, फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी, लेकिन वही अगर हमारे बीमारी, हमारे बॉडी में कोई क्रोनिक डिजीज़ होगी ना, एक भी जिंदगी भर नहीं जाता, जिंदगी भर वो क्रोनिक डिजीज़ ना पैसा निकालता है, कमाया हुआ पैसा आप कहीं भी कमा लोगे मुझे पता है, नो डाउट, लेकिन इस बिजनेस में जो हेल्थ मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी और टाइम, सब कुछ मिलता है जो एक इंसान को चाहिए, वो करोड़ों रुपए दे के भी आप नहीं खरीद सकते। आपको पता ना, अगर एक एक बीमारी होती है ना, जिंदगी भर दवाई खाओ, डॉक्टर के पास जाओ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइफ ना मतलब डिसबैलेंस हो जाती है पूरी। तो अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर ऐसा ना हो हमारे साथ या हमारे फैमिली के साथ, तो यार पैसे भी तो यहाँ कमाएंगे, हेल्थ भी तो मिल रही है ना, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकता। हेल्थ रहेगा तभी तो पैसा कमाएंगे, हम इसको इतना खटा रहे हैं और उसको ही हम नहीं देख रहे हैं, तो कैसे चलेगा, है ना। तो बस इस बिजनेस में यही सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, कि भैया पैसे भी तो कमा रहे, हेल्थ भी आपको मिल रहा है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस वही चीज़, आपको भी एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, आपके फैमिली को भी मिलनी है, पैसे भी कमाओगे बाय डिफॉल्ट, कुछ नहीं है, ठीक है। तो गो फॉर इट, 2CC वेरी शून कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो, आपको मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। आप खुद समझदार हो, आपको किस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरा तो आपका काम था बताना, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगा आप आर्यन सर से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी टीचिंग लाइन में ही है, शायद अभी भी पढ़ाते होंगे बच्चों को आई थिंक, ठीक है। साइंस के टीचर हैं वो भी, बहुत बहुत अच्छे लेवल पर टीचर हैं, आप उनसे बात करोगे। मैं भी टीचर ही था, मैं कंप्यूटर पढ़ाता था बच्चों को, है ना, तो अच्छी बात है हम लोग टीचिंग लाइन में हैं, आप भी टीचर हो, अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, आपके पास मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है टीचिंग। मेरे को टीचिंग पसंद था इसलिए मुझे ये भी पसंद है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लोगों को गाइड करना है, मुझे लोगों को गाइड करना बहुत पसंद लगता है,
है ना, तो यहाँ पे अगर आपको और अच्छी चीज मिलेगी, अगर आपके थ्रू वहाँ पे चलो लोगों को नॉलेज मिल रही है, लेकिन अगर आपके थ्रू यहाँ पे लोग पैसे कमाए, क्या बात, एक आपके लिए प्लस पॉइंट क्या पता है, अगर आप इस बिजनेस को करते हो ना, 18+ जो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आपके कनेक्ट में होंगे, जो आपकी बात मानते हैं, आप उनको अगर बताओ तो क्या लगता है, देखो आपका बिजनेस आपके लिए प्लस पॉइंट है कि यू आपके पास एक ऑलरेडी एक बना बनाया मार्केट है, आपकी एक खुद की फेस वैल्यू है जो हमारी नहीं थी, आपकी एक खुद की फेस वैल्यू है आपके लिए प्लस। अगर आप अच्छे से सोचो ना तो आप बहुत बढ़िया एक वंडरफुल बिजनेस डेवलप कर सकते हो यहाँ से। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को बोलो जो वहां से अच्छे खासे पढ़ के निकल चुके होंगे, जो आज बेरोजगार बैठे होंगे, क्या वो आपकी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे, तो आपके लिए तो प्लस पॉइंट है। मुझे लगता है आप अगले महीने सुपरवाइजर कर लोगे तब तो। आई वॉन्ट कि आप अगले महीने सुपरवाइजर करो, मैं पूरी मेहनत करूंगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके सारे लोगों को भी मैं इसी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि आप जितना ग्रो करोगे हम उतना करेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कोशिश करो कि आप 2 CC कंप्लीट करो, बहुत अच्छा है। बाकी टोटली अब आपका कॉल है कि आप कैसे स्टार्ट करते हो। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट भैया, आप स्टार्ट करिए बहुत जल्दी, ताकि हम इस महीने ही आपके इनकम स्टार्ट करवा सके। ज़्यादा डिले मत करना, ज़्यादा 15-20 तारीख तक करोगे महीना खत्म हो जाएगा, फिर अगले महीने काम शुरू करोगे, अगले महीने जो पैसा बनेगा फिर अप्रैल में आएगा, 2 महीने पार हो जाएंगे। तो कोशिश करो जल्दी से कंप्लीट करके। बाकी आई एम विथ यू ऑलवेज, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आर्यन सर को भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा कि आप टीचर हो, फिर भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, बट आगे मैं आपसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारी यही तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी थिंकिंग है। तो आई वॉन्ट कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा करने वाले हो इन फ्यूचर, 2024 मिलके बहुत बढ़िया बनाएंगे, आपके लिए बहुत सारे प्लस पॉइंट है। बस लास्ट में एक ही चीज़ बोल के मीटिंग को ख़त्म करेंगे, इस बिजनेस में ना पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट, विश यू गुड हेल्थ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में आफ्टर 2 CC। बाय बाय।